आइए दोनों हाथ घुटनों पर रख करके प्राणायाम का ऐसे ही अभ्यास कीजिए। श्वासों को भीतर गहरा भरो तब मानो वो ब्रह्म प्राण बनकर के भीतर जा रहा है और भीतर के संशय भ्रम, भीतर का अज्ञान, भीतर का तमस सब मिटा रहा है। श्वासों को भीतर गहरा भरो। भस्त्रिका प्राणायाम से योग साधना का प्रारंभ। लंबे गहरे सांस भरते हैं, बाहर छोड़ते हैं पूरी लय के साथ। ओ ओ, एक श्वास में जिंदगी बदल सकती है, एक श्वास में पूरा स्वभाव बदल सकता है, वाणी और व्यवहार बदल सकता है, दृष्टि, नजरिया, एटीट्यूड, हमारी सोच, हमारे विचार, सब कुछ बदल सकते हैं। बस एक बार तैयार रहो रूपांतरण के लिए, बदलने के लिए। एक बार समर्पण के लिए तैयार तो हो जा। एक बार जरा अपने आप को मिटा के देखो, एक बार जरा झुका के देखो। कोई आग्रह नहीं, बस समग्रता से उस विराट को आत्मसात करो। चारों ओर उसी की सत्ता है, उसी की शक्ति है, उसी की ज्योति है। हर रूप में उसको देखो। ओम ओम ओम। श्वासों को भीतर धारण करते हैं पूरी लय के साथ। ओम 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 इति काक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तिजन देहम सयाति परमाम गति। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम्। सर्वे वेदायत पदम आमनन्ति तपांस सर्वाणि चेद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। श्वासों को जब भीतर धारण करते हैं तब ओम ओम की उपासना, ओम ओम की उपासना, ओम ओम की उपासना। हे प्रभु तो ही ओंकार, तू अंतर्यामी, तो विश्व नियंता, सच्चिदानंद स्वरूप, ज्योतिर्मय, तेजोमय। ओम विश्राम। रुक जाइए, ऐसे 5 मिनट ये करना है प्राणायाम। श्वासों को भीतर धारण करने से देह स्वस्थ होगा और देह में वैश्विक शक्तियों का अवतरण होगा। ये भस्त्री का प्राणायाम। यदि 5 मिनट ये प्राणायाम भाव के साथ, श्रद्धा और समर्पण के साथ कर लिया जाए तो कहाँ रहेगा हाइपरटेंशन? स्ट्रेस नाम की कोई चीज जिंदगी में रहेगी ही नहीं। हृदय में अवरोध आएंगे नहीं और यदि आ गए तो मिट जाएंगे। माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, पार्किंसन, पैरालिसिस, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सिनुसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, पॉलिप्स का बढ़ना, कफ का संचित होना, वात पित्त कफ दोष प्रशमन होगा, मन का शमन होगा। लंबा गहरा सांस भरना, बाहर छोड़ना पूरी सहजता के साथ और एक एक सांस भीतर गहरा भरो तब मैं मिट जाए। केवल प्रभु की सत्ता शेष रह जाए। यह भस्त्री का प्राणायाम। ऐसे 5 मिनट करना, विश्राम। रुक चाहिए। देखो मुख्य रूप से हम 7 प्राणायाम कराते हैं और उन 7 प्राणायामों के द्वारा जो भीतर परिवर्तन घटित होता है उससे सारी व्याधियां मिट जाती है। अब अगला प्राणायाम करते हैं, श्वासों को बाहर छोड़ते हैं।
सांसों को बाहर छोड़ रहे। मिटा दो भय, मिटा दो असुरक्षा का भाव, मिटा दो ये अकेलापन, मिटा दो सब अपेक्षाएं। किसकी अपेक्षा, किसके लिए अपेक्षा? निरपेक्ष हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, स्थित प्रज्ञ हो जाओ, अनासक्त हो जाओ। भोगों को बहुत भोगा तुमने, निष्कर्ष यही निकला कि जितना भोगों को भोगते गए उतना ही भोगों की वासना और प्रबल होती ही गई। ऐसा ही तो हुआ जिंदगी में। हर एक मन इस बात का साक्षी है, हर एक जीवन ये गवाह दे रहा, ये सब के भीतर की गवाही है। ये सब ने जिंदगी में महसूस किया, जो पाया सो थोड़ा ही हो गया, तृप्ति मिली ही नहीं। जैसे अग्नि में घी डाला और अग्नि बढ़ती ही गई, ऐसे ही ये वासनाएं तृष्णाएं और बलवती होती जाती हैं। ये योगाग्नि में तप रहे। बाहर की अग्नि है भोगों की अग्नि, जो जलाती है, जो उम्र घटाती है, जो तेज घटाती है, आत्मश्वास घटाती है, यौवन को क्षीण करती है, वो भोगों की अग्नि। भीतर से ऐसे हार्मोन्स पैदा होने लगते हैं, भीतर से तुम्हारी आंतरिक शक्ति क्षीण हो जाती, इम्यून सिस्टम, जीवनी शक्ति तुम्हारी कमजोर पड़ने लगती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। प्राणायाम के करने से बीमारी तो मिटती है, वेट घटता है, पेट घटता है, डायबिटीज ठीक होती है, पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है, शरीर की ग्रंथियां घुलती है, मन की गांठ भी घुल जाती है। थायराइड ठीक होता है, मन शांत होता है। जो कहते हैं मन बहुत चंचल है जी, काबू में नहीं आता, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम असंशयम महाबाहु मनोदृढ़ चलम अभ्यास न तो कौनते वैराग्येण तो गृह्यते। अभ्यास सतत प्रभु का अनुस्मरण, वैराग्य विवेकशीलता, ज्ञानस्य पराकाष्ठ वैराग्यम। विश्राम रुक्षा, देखो योग हमारे इस भौतिक देह को भी स्वस्थ बनाता है, अंतर के दोष हटाता है। देखो भगवान सदा प्राप्त है। महर्षि दयानंद जी महाराज भी कहते हैं ईश्वर सब मनुष्यों को सदा सब जगह प्राप्त है, परंतु सदोष अंतःकरण में उसकी अनुभूति नहीं होती। भारत की संस्कृति हम रोज पढ़ते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। सृष्टि के कण कण में प्रभु ओतप्रोत है, जब कण कण में है तो दिखता क्यों नहीं, तेरे भीतर अंधेरा है। महर्षि पतंजलि कहते तथा क्षीयते प्रकाश श्रवणम, अंदर का अंधेरा हटाओ, भीतर का प्रकाश अपने आप मिल जाएगा। तो देखो भगवान पाना नहीं है, मिटाना है काम को, मिटाना है क्रोध को, मिटाना है ईर्ष्या को, द्वेष को, क्लेशों की परिसमाप्ति, यही है ईश्वर की प्राप्ति। जब मन में काम ना हो, क्रोध ना हो, भय ना हो, लोभ ना हो, वितृष्णा ना हो, यही है मुक्ति, जीवन मुक्ति। लोग कहते हैं मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, मरने के बाद तो मुक्ति नहीं मिलेगी यदि इस जन्म में नहीं मिली है तो। मुक्ति इसी जन्म में मिलेगी, भगवान इसी जन्म में मिलेंगे, और जो इस जन्म में नहीं मिला वो कभी नहीं मिलेगा, याद रख लेना। देखो मुक्ति का अर्थ हमने खाली पुनर्जन्म से कर दिया, ध्यान, भगवान, अध्यात्म, इस सब को हमने वर्तमान से जोड़ा ही नहीं, भविष्य में कहीं आरक्षण। हमारे कुछ अप्रबुद्ध धार्मिक लोगों ने धर्म
के नाम पर कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया। क्या किया? स्वर्ग के आश्वासन। देखो, आश्वासन, सपने, सपने देखते रहते हम। सपने भाई हकीकत में जब तक नहीं होते तो सपना तो झूठा होता है। एक ने स्वर्ग के आश्वासन दिए धर्म सत्ता पर आसीन व्यक्ति ने, और राज सत्ताओं पर आसीन व्यक्तियों ने विकास के झूठे सपने दिए। देखो, कहीं ना कहीं भ्रम हो गया। अब धर्म भीतर से जागेगा, स्वर्ग भीतर से मिलेगा, शांति, आनंद, मुक्ति सब भीतर ही है तुम्हारे, जो इस पूरे ब्रह्मांड में है, जो समष्टि में, वो व्यष्टि में। ABP News आपको रखे आगे।